फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली रात से श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफी अरसे से, जहां तक एक्टिव मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफ़ी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहां पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है, जहां रखा जा रहा है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, इसमें दो टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनेद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनेद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी, ज़्यादातर बड़गाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनेद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये वांटेड था। और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपीट आई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है, वो जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किस ना किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहाँ पर हुए, उनका लिंकेज भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर दोनों साइड से आकर के, वंतीपुरा से आकर के, जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे जे ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे। और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी ना किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेज हैं CRP साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। नहीं, दो ही थे शुरू से, उसमें तीन का खदशा इसलिए हुआ था कि एक घर में से निकल के दूसरे घर में शामिल हो गया था, जो बाद में लड़का दूसरा जो मारा गया तारिक, तो उससे एक बार लगा था कि शायद दो ना होकर के 3 हैं, एक घर की और इन्वॉल्वमेंट हुई जहां से फैर आया,
मगर ये दो ही थे और दोनों ही मारे गए हैं। मतलब देखिए मिलिटेंट का तो कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकता है। और भी लोग हैं जिनके बारे में इतला रहती है कभी कभी, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आगे पीछे आते हैं। एक दो ऑपरेशन हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं उनकी तलाश में, और जहां सिटी पुलिस और बाकी फोर्सेस मिल करके इस ताक में हमेशा रहती हैं कि अगर कोई बाहर से आकर के जहां मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट कोई करता है तो उनको यहां पर उसे प्रिवेंट किया जा सके। मकसद ये रहा कि एक तो ये बार बार पिछले जब भी जिस अरसे से आते थे तो लगभग जगह पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे, किसी और नौजवान लड़के को वर्ग ला करके मिलिटेंसी ज्वाइन करवाना, उस तरफ उसको प्रेरित करना, ज़्यादातर वो रहता था। दूसरा यही जो ग्रेनेड्स की कार्रवाइयाँ शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेज के ऊपर होते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ प्लान करना, और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका हमेशा रहा है और पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। दूसरा जो हमारे फोर्सेज की तरफ से इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ, सुबह हमारे SOG के एक नौजवान साथी को लगी थी गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक CRP के जवान को थी, दोनों को बैकवर्ड किया गया था। दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिलिटेंट द्वारा, उसमें दो हमारे CRP के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर है। श्रीनगर देखिए सेंट्रल कश्मीर कुल मिलाकर के जो इसकी तादाद है ले दे करके वो 13-14 के करीब बनती है, जो इधर तो नहीं है ज़्यादातर, मगर जब आते हैं तो हमें उनकी खबर लगती रहती है। नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। देखिए जी, आप लोगों का हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कितनी तादाद अब है, तो मगर ये डायनामिक तादाद रहती है। कभी कोई नया लड़का ज्वाइन करता है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते नया बच्चा को ज्वाइन करे इस रास्ते पे, और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें बनी रहती है। मगर मैं इतना बता दूं कि जो साल के शुरू में जितनी तादाद थी उससे काफ़ी कम हो चुकी है अभी, और अभी कोई 240 के आसपास करके जो टोटल तादाद अभी बनती है। जो सर एरिया जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है डेंस एरिया है, श्रीनगर बोला वैसे पूरा शहर का डेंस माना जाता है, तो डैमेज वहाँ क्या हो गया है? कोई सिविल इंडिविजुअल जिस हिसाब से मकान को इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो आग लगी है उसके बाद फायर करने भी बुलाया गया था, तो वहाँ से देखिए बहुत साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज़्यादा आग वाग का वाका हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतजाम, बाकी चीज़ों का इंतजाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को वैकुएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने दो लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से वैकुएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फेर आया, तो पहले हमारे दो जवान उसी में इंजर हुए। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, वो आग वाग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया। चलिए इसके बारे में फिर कभी जवाब देंगे और बताएंगे। अभी डोडा में एक रिसेंटली जो एक ऑपरेशन हुआ, और अभी क्या मतलब ऐसा लगता है कि वहां मतलब चुनाव एरिया और बाकी जैसे रीजन डोडा के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वहां पर नंबर कम हुए हैं। पिछले साल 9 मिलिटेंट थे उस एरिया के अंदर और इस साल अभी सिर्फ 3 हैं, तो वहां पर मिलिटेंसी कम हुई है, बड़ी नहीं है। देखिए लार्ज स्केल प्रोपेगेंडा स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इज गोइंग ऑन बोथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चैनल्स व्हिच दे कैन रिजॉर्ट टू।
पुलिस इज अवेयर ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोपेगंडिस्ट मूव्स बाय पाकिस्तान एंड वी कीप ए वॉच ओवर सच एक्टिविटीज एंड वी कीप ऑन ग्रेजुएटिंग आवर रिस्पांस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अभी तक जो टेररिस्ट मारे गए हैं इस साल के अंदर उनकी तादाद 73 हो चुकी है और जो टेररिस्ट और उनके एसोसिएट पकड़े गए हैं उनकी तादाद कोई 95 के करीब है। काफ़ी बड़ी तादाद में कार्रवाई जो है वो हुई है और इससे काफ़ी के एरियाज में टेररिस्ट जो वायलेंस है उसका ग्राफ भी कम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आज सवाल ख़त्म हो गया।